बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रही है एटी न्यूज चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है कि इंडिया रेलवे की किसी भी ट्रेन की टिकट कैसे अपनी मोबाइल से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, लोग ट्रेन की टिकट करने के लिए कहाँ कहाँ जाता है, या तो रेलवे स्टेशन पे लाइन में खड़ा होकर, या तो ई टिकट दुकान में जाता है। वह टिकट की जो चार्ज है उससे भी ज़्यादा 100-200 चार्ज दे के वो टिकट बुक करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा है कि कैसे आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत लोग जानते हैं किस तरह से ऑनलाइन में टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन वो लोग घबरा जाता है, उसका पैसा कट जाता है, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं होता है। तो आज मैं जो वीडियो आपको लिए लाया हूँ, उसमें जो ट्रिक मैं आपको दूंगा, उससे आपकी कोई सारी परेशानी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले IRCTC की ऑनलाइन में कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन IRCTC की जो न्यू ऐप्स है उससे पुराना जो फीचर्स है उसको सारा फीचर्स बदल दिया गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बक बक करने से हमारा वीडियो शुरू कर देता है। तो पहले आपका IRCTC की जो नया ऐप्स है, तो इसमें ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको लॉगिन होना है, तो हम लॉगिन हो जाता है, आप कैप्चा इसमें इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बहुत सारा फीचर्स है, इधर दिखा रहा है प्लान माय जर्नी, माय बुकिंग, PNR इंक्वायरी, कैंसिल टिकट, रिफंड हिस्ट्री, फाइल TDR, फ्लाइट टूरिज्म, बुक मेल, ये आप बहुत सारे ऑप्शन आपको है। लेकिन आपको टिकट बुक करना है ऑनलाइन में, तो आपको क्या करना है, पहले आपको इधर ये प्लान माय जर्नी इसमें जाना है, इसमें क्लिक करते हैं। इसके क्लिक करने के बाद आपको स्टेशन सेलेक्ट करना है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाना है आपको। तो इधर सिलेक्ट करते हैं कहाँ से आप यात्रा शुरू करते हैं। तो इधर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे जहाँ से आप जाना चाहते हैं, मैं तो हावड़ा से, तो इधर हावड़ा जंक्शन सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सपोज मान लीजिए हम काठपट्टी जंक्शन जाएंगे। तो उसके बाद नीचे देखिए, इधर कैलेंडर है, कैलेंडर पे क्लिक करना है। कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद आपको किस डेट में जाना है आपको सिलेक्ट करना है। तो सपोज मान लीजिए हम फेब्रुआरी के 25 तारीख को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे सर्च ट्रेन लिखा हुआ दिखा रहा है, सर्च ट्रेन में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऐसे जो सारे ट्रेन काठपट्टी जाता है उसका सारी डिटेल्स इधर मिल जाएगा, आपको टिकट बुक करने के लिए ये सारे ट्रेन मिल जाता है। तो पहले मान लीजिए गुवाहाटी एक्सप्रेस है, इधर हम सफर एक्सप्रेस है, हावड़ा YPR एक्सप्रेस है, शालीमार त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस है, जो कोई भी एक से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए हम हावड़ा जसवंतपुर एक्सप्रेस यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए 2 AC है, 3 AC है, स्लीपर है, हम स्लीपर को बुक करना चाहते हैं, तो स्लीपर पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका टिकट का डिटेल्स दिखा रहा है। तो 25 फरवरी को टूरिस्ट इधर RAC दिखा रहा है, तो हमको ये टिकट बुक करना है। तो इसमें 25 तारीख में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए टिकट का कितना प्राइस है, 710 रुपये। उसके बाद इधर दिख रहा है गो टू पैसेंजर डिटेल्स, हमको ये टिकट बुक करना है
तो आप मांग रहा है कि गो टू पैसेंजर डिटेल्स, जो पैसेंजर यहाँ से जाएगा, तो पैसेंजर डिटेल्स में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐसा एक फीचर्स आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर देखिए जो पैसेंजर डिटेल्स है उसमें ये ऐड न्यू ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऐड न्यू पे हमको क्लिक करना है। ऐड न्यू के जैसे ही क्लिक करेंगे उसके पैसेंजर का टोटल डिटेल्स, मान लीजिए सपोज हमको आपको लिए दिखाने के लिए मैं एक नाम देता हूँ, मान लीजिए स्वपन, स्वपन दास, एज 32, मेल। आप बर्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे लोअर है, साइड है, मिडिल है, जो भी एक आप मान लीजिए आप लोअर में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेशनलिटी इंडिया, सारे सारे इधर सिलेक्ट है। ये बार ऐड पैसेंजर में आपको क्लिक करना है। ऐड पैसेंजर में क्लिक करने के बाद ये देखिए हम जिसके नाम ऐड पैसेंजर पे दिया हुआ है वो उसका सारे डिटेल्स इधर एंट्री हो गया। अब क्या करना है, आप इधर पे आपका पैसेंजर्स मोबाइल नंबर देना है, आपका पेमेंट जो मेथड है उस पे आपको क्लिक करना है। इधर देखिए पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट्स से, और दूसरा है पे थ्रू भीम यूपीआई। तो भीम यूपीआई पे क्लिक कर उसके बाद देखिए नीचे है डू यू वांट टू टेक ए ट्रैवल इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस जाने के लिए इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, आप नो भी कर सकते हैं। तो यस करने से आपका 0.49 पैसा आपको कट जाएगा उसमें आपका, ज़्यादा अच्छा है आप इंश्योरेंस करा ले तो। उसके बाद आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इधर यस पे क्लिक करना है इंश्योरेंस पे, तो रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे कुछ समय लेगा वो, उसके बाद इधर एक कैप्चा आपको फिलअप करना है। ये देखिए आपको दिखा रहा है हावड़ा जसवंतपुर एक्सप्रेस RAC इतना है, ट्रेन का टाइम है 8:35 और उधर पहुंचेगा रात को 1:45 काटपट्टी, हावड़ा से काटपट्टी जंक्शन। ये पैसेंजर डिटेल्स है, उसका मोबाइल नंबर, और इसमें एक कैप्चा उन्होंने डालने के लिए बोल रहा है। तो आप एक कैप्चा इधर देखिए दिया है, कैप्चा है 5D5B6D और प्रोसीड टू पे, इधर क्लिक करना है प्रोसीड टू पे। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे पे जाएंगे तो इधर देखिए भीम UPI या मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन, इधर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। भीम पे जाएंगे तो आप भीम से कर सकते, इधर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, IRCTC, iPay, Visa, RuPay, भीम UPI, फोन पे, HDFC कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से जाके मान लीजिए आप फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो फोन पे पे क्लिक कीजिए। इधर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेमेंट ऑप्शन में ले जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से आप पेमेंट कर दीजिएगा। हमको तो पेमेंट नहीं करना है, हमको तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहा है। तो ऐसे ही आपको ट्रेन की टिकट आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे जो ट्रेन का टिकट है वो आपको आपका ईमेल एड्रेस में मिल जाएगा, या आपको SMS के द्वारा IRCTC से आपको ट्रेन की सारे जर्नी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और आपको ये टिकट बुक करने के लिए कैसे आपको ID यूज़ करना है, मैं उसके लिए भी वीडियो आपको लाऊंगा। तो उसके लिए नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें IRCTC की अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं हम उसमें एक वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में आपको
बहुत बहुत धन्यवाद।